बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, साथ में नशा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, जिसकी जो लेखिका है वो हमारे साथ में है, मोहिनी जी, मोहिनी सविपिल पाटिल जी, और जो रेवाड़ी के ADC है उनकी धर्मपत्नी है ये। और जब वैसे तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, लेकिन जब उन्होंने रेवाड़ी में देखा कि जो सेक्स रेशो है वो गड़बड़ाता जा रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने इस पर एक स्क्रिप्ट लिखी और एक आधे घंटे की एक मूवी बनाई गई है। तो मैडम हमारे साथ में, कैसे उनके जहन में ये आइडिया आया और किस तरह से इस पर काम किया? जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। कैसे मैम आपके जहन में आया कि इस पर काम किया जाए? एक्चुअली मैं जहाँ महाराष्ट्र से हूँ, जिस एरिया से हूँ, वहाँ पे तो सेक्स रेशो कम है, ऐसे मैंने कभी सुना नहीं और इस इशू के बारे में सुना नहीं। बट जब मैं हरियाणा में आई, रेवाड़ी में आई, तब मैंने ADC साहब के स्पीचेस के माध्यम से बहुत बार सुना कि यहाँ का सेक्स रेशो कम है। उसके बाद फिर जो रेवाड़ी के पहले DC साहब थे, गर्ग साहब, उनका भी मैंने स्पीच सुना था, तो उसमें भी सुना था कि दक्षिण हरियाणा का सेक्स रेशो कम है और ये चिंतनीय बात है। और इसलिए मैंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब्जेक्ट चुना, और क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ये प्रोजेक्ट बनाया। अभी हमें पता चला कि आपको आपने BTech किया आई थिंक, है ना? और जी, और राइटिंग का आपको शौक है, तो अलग अलग किताबें आपने लिखी है, उस पर क्या निशा आपको? मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कुछ ऐसे प्लान नहीं था लिखना है, बट पता नहीं क्यों दिमाग में आने लगा लिखती गई और किताबें बन गई। और फिर तब से पता चला कि हाँ, ये मेरी चॉइस है, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और वो जो मेरी क्रिएटिविटी है वो राइटअप से एक्सप्रेस में कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसके लिए टाइम देती हूँ। अभी भी मैं 3 बुक्स पे काम कर रही हूँ। जी किस तरह से इस पूरी जो शॉर्ट फिल्म है, इसकी शूटिंग कैसे हुई, किस तरह से कलाकार इकट्ठा किए? क्योंकि जैसे आप बता रहे कि सामाजिक जागरूकता के लिए नो कॉस्ट, मतलब आप इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं होगा, तो किस तरह से पूरा रहा? एक्चुअली हरियाणा के संस्कृति के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, यहाँ के कल्चर के बारे में उतना पता नहीं है, 1 साल ही मुझे यहाँ आके हुआ है। लेकिन मेरा ये फर्म डिसीजन था कि हरियाणा की संस्कृति, कला, ट्रेडिशंस, कल्चर, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फिर OLG फिल्म की टीम ने और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मुझे हेल्प किया, उन्होंने ही कलाकार इकट्ठे किए। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का ऑडिशन लिया, उसमें से भी एक बच्ची सिलेक्ट की है, उसने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो ये हाँ, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो ऐसे थे कि जो चारपाई होगी, सपोज़ हम यूज़ करें फिल्म में, तो हमारे रेसिडेंस पे जो चारपाई है उसके पैर जो है स्टील के, तो इतना मैं समझ सकती थी कि जो कल ट्रेडिशनल चारपाई होगी उसके पैर स्टील के नहीं होंगे, वो लकड़ी के होंगे। तो मैंने यही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब भी आप संस्कृति दिखा रहे हो, कल्चर दिखा रहे हो, तब उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके उसको स्पॉइल मत करो, ओरिजिनल दिखाओ। थोड़ा सा मूवी के बारे में, थोड़ी स्टोरी के बारे में आप बता पाए किस तरह, हालांकि हमने देखा भी, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को बता पाए किस तरह से क्या जोड़ा गया है? एक्चुअली अच्छा सा परिवार होता है, लड़का है कपल को, उसके बाद बच्चा होने वाला था, तो उसकी सास बोलती है कि चेक करवा के आओ, तो फिर वो बोलती है नहीं, फिर सास बोलती है मुझे बच्ची लड़की नहीं चाहिए, फिर वो जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि मैंने बचपन में शपथ ली थी कि मैं स्त्री भ्रूण हत्या को रुकाऊंगी वगैरह, और फिर वो उनमें झगड़ा होता है, वो घर छोड़ के चली जाती है, तो उसका पति, उसका लड़का पूरा सब बिखर जाता है। और लेकिन ये औरत जो होती है वो बहुत अच्छे से उसकी लड़की को जन्म देती है, पढ़ाती है, डॉक्टर बनाती है, एंड एट द एंड जब उसके लड़के का एक्सीडेंट होता है और ये जो डॉक्टर बनी हुई लड़की है वही उसको बचाती है, तब उस जो हीरोइन होती है उसकी सास को समझता है कि हाँ, उस जो जिस लड़की को वो मारना चाहती थी उसी लड़की ने उसके घर के चिराग को आज बचाया है। जी, जागरूकता के लिए लोगों तक कैसे पहुँचेंगे, मूवी को कैसे पहुँचाएंगे? यस, हम अभी उसके लिए प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होंगे उस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फिल्म को। इट्स अ क्रिएटिव वर्क, और मैं चाहती हूँ कि वो हर कोई देखे, हर कोई उसको सहारे। थैंक यू।
कुल मिलाकर ये लेखिका है इस पूरी मूवी के, और जिसमें पूरी तरह से ये दर्शाया गया है कि जो आज के टाइम में जो सेक्स रेशो गड़बड़ाता जा रहा है उसको लेकर इस मूवी की थीम पूरी ये है कि बेटी बचाओ, और साथ में जो बढ़ता नशा है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश की गई है। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18।